पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंचे। यहां 424 करोड़ की 30 विकास परियोजनाओं का सीएम ने लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी ने कहा कि आज प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर वातावरण है। हम यूपी में किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। सबका साथ सबका विकास को ध्यान में रखकर भाजपा सरकार काम कर रही है। आज महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। यूपी में बहु बेटियां अब सुरक्षित हैं। उधर विरोधियों को अपराध का राज पसंद है। सीएम ने कहा कि आज पूरे देश का सबसे सुरक्षित प्रदेश उत्तर प्रदेश बन चुका है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में नजीर बनी हुई है। अब यूपी को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, निवेश को आमंत्रित करना है। इसके लिए जैसे केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर डबल इंजन की सरकार विकास कर रही है, वैसे ही स्थानीय निकायों में भी भाजपा होगी तो ट्रिपल इंजन की सरकार विकास को तेजी से रफ्तार से आगे ले जाएगा। सीएम ने कहा कि इसमें प्रबुद्ध जनों का बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए स्थानीय निकायों में भी भाजपा को जिताकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मुरादाबाद में 424 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें सोनकपुर फ्लाईओवर का लोकार्पण भी शामिल है। दिसम्बर 2016 में इस फ्लाईओवर पर सपा सरकार के वक्त में काम शुरू हुआ था। इस फ्लाईओवर में पटरियों के ऊपर का पार्ट रेलवे द्वारा तैयार किया गया और बाकी काम यूपी ब्रिज कॉरपोरेशन ने किया है। मुरादाबाद में सर्किट हाउस के पीछे स्थित मैदान में सीएम योगी प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन को संबोधित करने आए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीतल नगरी का एक्सपोर्ट 25,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मुरादाबाद के शिल्पकारों को दुनिया भर में नई पहचान मिली है। भारतीय जनता पार्टी समेत विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज मुझे पीतल की नगरी के रूप में विख्यात मुरादाबाद के आप सभी प्रबुद्ध जनों के विचारों को सुनने, जानने और 424 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के इस कार्यक्रम में आपके साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इन सभी योजनाओं के लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मुरादाबाद के हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों ने अपने हुनर के माध्यम से वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई। इसके माध्यम से अपनी उस पहचान के माध्यम से न केवल प्रदेश बल्कि देश की भी एक पहचान बनी। एक बहुत सकारात्मक संदेश है कि मुरादाबाद के अंदर पोटेंशियल है, थोड़ा भी सरकार के द्वारा उन्हें प्रोत्साहित कर दिया जाए तो वे पूरी दुनिया के अंदर छाने की सामर्थ्य रखते हैं और उस सामर्थ्य को यहाँ के कारीगर, यहाँ के हस्तशिल्पी आज इस रूप में उठाने का कार्य कर रहे हैं। मैं इसके लिए उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम जब नगरीय जीवन की बात कर रहे, स्मार्ट सिटी मिशन की घोषणा की थी। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 10 नगरों को स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर और 60 शहरों को अमृत योजना के अंतर्गत चयन किया था, जिससे जनता की बुनियादी सुविधाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन प्रारंभिक 2.5 वर्ष प्रदेश में तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं पे कोई भी कार्य आगे बढ़ाने का कार्य नहीं किया, कोई भी सुविधा जनता को नहीं दी गई। लोक कल्याणकारी योजनाएं आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए उन्होंने हमेशा उसमें बैरियर का काम किया। लेकिन विगत 5.5 वर्ष के दौरान नगरीय जीवन को भी स्मार्ट जीवन के रूप में बदलने और जनता के लिए ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त प्रदान करने के लिए डबल इंजन की
के परिणाम देखने को मिल रहे हैं। अकेले मुरादाबाद नगर के अंदर आज नगरीय जीवन से जुड़े हुए 424 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास इसका एक उदाहरण है, जिसमें ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो केवल ITMS को इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।